सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vivo Y73 फोन में ऐप लॉक कैसे लगाएं, उसके बारे में आज आप लोग को बताने वाला हूं इन फिंगर ऐप लॉक के बारे में। हाँ जी दोस्तों, Vivo के Y73 फोन में इन फिंगर ऐप लॉक के बारे में आज आप लोग को बताने वाला हूं कैसे आप लगा सकते हैं फिंगरप्रिंट ऐप लॉक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि मैं आप लोग को सब कुछ बता सकूं स्टेप बाय स्टेप। तो चलते दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इंस्टाग्राम पे कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं Vivo Y73 फोन में फिंगरप्रिंट ऐप लॉक कैसे लगाना, उसके बारे में आज आप लोग को बताने वाला हूं। तो चलता हूं अपने फोन के स्क्रीन पे और आप लोग को चल के बताता हूं कैसे लगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलमान। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे अगर आप Vivo के Y73 फोन में ऐप लॉक लगाना चाहते हैं फिंगरप्रिंट से, तो फाइनली दोस्तों आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे आपके सेटिंग में जाना होगा। तो यहाँ पे मैं अपने फोन के सेटिंग में चलता हूं। अब जैसे यहाँ पे सेटिंग में जाता हूं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। अब जैसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे सिक्योरिटी प्राइवेसी का ऑप्शन। तो आपके Vivo के Y73 फोन में प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ऊपर देखने को मिल जाएगा प्राइवेसी एंड एप्स का ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो कि अगर आप फिंगरप्रिंट लगा सके हैं, पहले से लगा के रखे हैं, तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मांगेगा। अगर आप नहीं लगाए हैं तो यहाँ पे आपको पासवर्ड का इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप पासवर्ड डाल के इसको ओपन कर लेना। अब जैसे यहाँ पे ओपन करेंगे पासवर्ड डाल के, तो यहाँ पे आपको ऐप लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाता हूं जो कि मैं एक दो ऐप्स को लॉक लगा के दिखा रहा हूं यहाँ पे। तो एक एल्बम हो गया और यहाँ पे मैं एक फाइल मैनेजर ले लेता हूं। तो फाइल मैनेजर यहाँ पे मेरा पहले से लॉक लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूं कैसे यहाँ पे फिंगरप्रिंट से ये अनलॉक होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों, जो कि मैंने अपने फोन में पहले से फिंगरप्रिंट इनेबल करके रखा हूं, आप लोग को भी बताने वाला हूं कैसे आप यहाँ पे ऐप पे फिंगरप्रिंट इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ होम स्क्रीन पे, उसके बाद यहाँ पे आपको चल के दिखाता हूँ एल्बम। तो यहाँ पे एल्बम देख सकते हैं फिंगरप्रिंट का, यहाँ पे देख सकते हैं फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आ चुका है। तो मैं इसको अनलॉक करता हूँ फिंगरप्रिंट से, तो यहाँ पे देख सकते हैं फिंगरप्रिंट से अनलॉक हो चुका है। तो इसी तरीके से आप अपने Vivo के Y73 फोन में एंड फिंगरप्रिंट ऐप लॉक लगा सकते हैं। फाइनली दोस्तों, यहाँ पे फाइल मैनेजर है, तो फाइल मैनेजर भी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फाइल मैनेजर भी अनलॉक हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग को चल के दिखाता हूँ कैसे आपको Vivo के Y73 फोन में आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट इनेबल करना ऐप लॉक पे। तो आपको क्या करना होगा, जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे फेस लॉक, यहाँ पे आप लोग को दिखने को मिल जाता है फिंगरप्रिंट फेस लॉक का ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा प्राइवेसी, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपको ऊपर जाना है, ऊपर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है, फिंगरप्रिंट पे ओपन करना। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड जो भी यहाँ पे आप लोगों को डाल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, देखने को मिल जाता है प्राइवेसी एंड एप्स का ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से आपका ऑफ होगा तो आपको इस तरीके से ऑन करना। उसके बाद आपका यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा जो आप ऐप लॉक में पासवर्ड लगा रखे हैं, तो यहां से आपको क्लिक करना। उसके बाद आपका यहाँ पे फिंगरप्रिंट इनेबल हो जाएगा आपके ऐप लॉक पे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना अपने ऐप पे और जो ऐप को आपने पहले से लॉक लगा रखा है यहाँ पे आपको क्लिक करना। उसके बाद इस तरीके से फिंगरप्रिंट से इसको अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे आप पासवर्ड से भी अनलॉक कर सकते हैं। अगर आपने पहले से यहाँ पे कोई पासवर्ड लगा रखा है तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आप पासवर्ड से भी इसको अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इन फिंगर से और पासवर्ड से भी आप यहाँ पे ऐप को अनलॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपने जो भी ऐप्स को, ज्यादा ऐप को यहाँ पे लगाना चाहते हो तो आपको सभी ऐप्स देखने को मिल जाता है। आपको जाना प्राइवेसी के ऑप्शन पे, उसके बाद आपको प्राइवेसी एंड ऐप पे जाना। उसके बाद आपको फिंगरप्रिंट अगर पहले से इनेबल कर लेंगे तो यहाँ पे आपको लगा लेना है। उसके बाद आपको ऐप लॉक पे जाना है। उसके बाद आपको देखने को मिल जाता है सभी ऐप्स यहाँ पे, तो सभी ऐप पे आपको इस तरीके से ऑन कर देना है। अब जैसे इस तरीके से आप ऑन करेंगे तो सभी ऐप पे आपका जो कि फिंगरप्रिंट ऐप लॉक लग जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप अपने होम स्क्रीन पे जाके फिंगरप्रिंट ऐप लॉक को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो कि इस तरीके से लग जाएगा। आप इस तरीके से फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर सकते हैं।
तो फाइनल दोस्तों मैं आप लोगों को सब कुछ बता दिया कैसे आपको वीवो के Y73 फोन में ऐप लॉक लगाना वो भी फिंगरप्रिंट से। तो फाइनल दोस्तों मैं आप लोगों को सब कुछ बता दिया हूं पूरे डिटेल में। तो फाइनल दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय दोस्तों।